हेलो बच्चों एंड वेलकम टू स्टडी विद यूनिक। मैं सुबोध सर, स्वागत करता हूँ आपका आप ही के पहले चैनल स्टडी विद यूनिक पर। और इस लेक्चर में हम एक्सरसाइज 4.2 शुरू करने जा रहे हैं। इसका बेसिक्स हमने पिछले लेक्चर में ले लिया है। मैंने आपको 20 से 25 मिनट में पिछले लेक्चर में सारी 7 प्रॉपर्टीज पढ़ा दी है, जिसका आज हम इस 4.2 में यूज करेंगे और उसका यूज करके हमें 4.2 एक्सरसाइज पूरी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। अब देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए क्या बोला है। विदाउट एक्सपांडिंग इवेल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट है, इनको इवेल्युएट करना है विदाउट एक्सपांडिंग, मतलब एक्सपांड नहीं करना है वैसे के वैसे डायरेक्टली। ठीक है, देखो कोई दिक्कत नहीं है, आपने वहां प्रॉपर्टीज पढ़ी है उनके सहारे हो जाएगा। ठीक है, अब देखो इसे हम क्या कर सकते हैं, इस डिटर्मिनेंट को हम आगे लिखेंगे, यहाँ इसमें ये ऐड कर देंगे। ठीक है, जिससे कि क्या हो जाएगा देखो, और ये इसमें ऐड करेंगे। बिल्कुल ठीक है, देखो यहाँ क्या करेंगे आप, रेड कलर ब्लैक से करते। रुको मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है। इसमें से हमें क्या करना है, इसमें दो कोई भी टर्म्स, देखो दो कोई भी रोज या कॉलम सेम करने। ठीक है, ये हमारा टारगेट है इसमें। अगर ऐसा जब भी क्वेश्चन है तो कोशिश करना कि दो रो या कॉलम आप कैसे कर पाओ, सेम कर पाओ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हम क्या करेंगे, 1 1 1 लिख रहे हैं। ठीक है, फिर ये जो ए बी और सी है ना, इसको आगे ऐड कर दो, मतलब ए प्लस बी प्लस सी अपॉन बी प्लस सी प्लस ए और यह सी प्लस ए प्लस बी। अब ये कैसे किया सर, तो मैंने पढ़ाया था आपको कि आप यहाँ कॉलम से ऐड कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, देखो सी वन सी थ्री चेंजेस टू सी थ्री प्लस सी टू। देखो सी टू का एलिमेंट इसमें ऐड, इसमें सी टू का एलिमेंट ऐड, इसमें सी टू का एलिमेंट ऐड, जिससे कि देखो ये सारे के सारे ए प्लस बी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी है, सिर्फ अलग अलग फॉर्मेट में लिखे हैं, तो हम यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। ये भी प्रॉपर्टी हमने सीखी है, तो ए प्लस बी प्लस सी कॉमन निकाल लो। तो यहाँ पे 1 1 1, यहाँ पे आया ए बी सी और यहाँ पे भी आया 1 1 1, जिसके कारण से दो कॉलम सेम होने के कारण अब आपका आंसर क्या आएगा, 0। तो ये ए प्लस बी प्लस सी है ना, इसको मल्टीप्लाई करना होगा आपको 0 के साथ, क्योंकि दो कॉलम या रो सेम हो जाए तो उस डिटर्मिनेंट का आंसर 0 होता है। ये हमने देखा था, इंटू 0 यानी ये पूरा 0। तो इसका आंसर क्या आ गया बच्चा, 0। ओके क्लियर, आसान है ना, ऐसे ही आपको तिकड़म बाजिया करके इसमें सॉल्व करना है। ठीक है, समझ रहे हो, चलो नोट करो 1 2 एंड 3। ओके बच्चा, अब सेकंड देखो, अब सेकंड देखेंगे। यहाँ पे तो डायरेक्ट दिख रहा है सर कि यहाँ पे 2x कॉमन निकालो तो ये 4 3 और ये बच्चा। ठीक है, हाँ बिल्कुल। तो देखो यहाँ पे आप क्या करोगे, 2 3 4 है ना, यहाँ पे शायद से रो सेम हो रही, देखो, और यहाँ पे 5 6 8। तो देखो यहाँ पे 6x 9x और 12x, इसमें से देखो इसमें से 3x अगर कॉमन निकाल ले इसमें से, तो क्या बचा, 2 3 4 5 6 8, और देखो इसको 3x से डिवाइड करो 2, इसको करो 3, इसको करो 4, दो रो सेम आ गए, R1 R3 सेम आ गए। इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3x into 0 यानी के 0 हो गया। ठीक है, नोट कीजिए 1 2 एंड 3। ओके, आसान है बच्चा, हार्ड नहीं है। अब देखो ये क्वेश्चन नंबर 3, अब इसमें क्या करेंगे, इसमें 65 75 86 क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा सोचो सोचो, सोचे भी ना मत करना, पहले सोचो क्या जा रहा है, क्या ऐसे डिवाइड हो रहा है, नहीं ऐसे नहीं हो रहा, क्या ऐसे हो रहा है। एक काम करो, देखो इसको इसमें से 7 माइनस करो कितना आता है, ध्यान दो, इसमें से 63 करोगे 2 और 2 माइनस करोगे तो इसमें से 3 करोगे तो 72 आएगा, और इसमें से 5 करोगे तो 81 आएगा। तो कुछ दिख रहा है क्या, ये तो नहीं किया मैंने 7 वगैरह क्योंकि इससे नहीं आ रहा है वो, लेकिन मैंने सोचा एक बार 7 करोगे तो क्या आएगा, 58 आएगा, फिर यहाँ पे 67 आएगा। ठीक है, तो ये दिक्कत वाली बात है, लेकिन देखो 2 अगर माइनस करते हो तो 63, 3 अगर माइनस करते हो तो 72, 5 अगर माइनस करते हो तो 81। अब आपको कैसे पता सर, आप डायरेक्ट कर रहे हो, तो देखो ये बड़ा है इसमें से कुछ जुगाड़ हो सकता है, तो इसमें से हम देखो सब में से यहाँ पे इसको क्या लिख सकते, देखो 7 into 9, इसको क्या लिख सकते 8 into 9, इसको क्या लिख सकते 9 into 9, तो 9 कॉमन हो जाएगा और ये 7 8 9 रिपीट करेगा। ठीक है, समझ गए, ओके, तो ऐसा जुगाड़ है मेरा, समझ गए। ठीक है, देखो वैसे तो आप समझ गए लेकिन फिर भी करके देता, 2 3 5 7 8 9, इसमें से सब्ट्रैक्ट करो। ठीक है, C3 changes to C3 minus C1,
इसमें से 2 माइनस करेंगे तो क्या हो गया 63। इसमें से 3 माइनस करोगे तो 72, और इसमें से 5 माइनस करोगे तो 81। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 9 कॉमन आ गया, क्या है 2, 5, 7, 8, 9। ठीक है, यहाँ पे भी 7, 8, 9। देखो दो कॉलम सेम, तो डबल से 0, तो आंसर आपका 0। ठीक है, वैसे ये स्टेप लिखने की कोई जरूरत नहीं है, फिर भी मैं लिख रहा हूँ। ठीक है, तो आपका आंसर 0 हो गया, इवेल्युएट समझ गए। चलो नोट करो, 1, 2 एंड 3, हियर वी गो बच्चा। ठीक है, हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन अगला, अरे ये आ गया, प्रूव दैट एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स, नीचे भी जेड प्लस एक्स, यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस जेड, बाप रे खतरनाक ही। ठीक है, अब आपको यहाँ एक्स वाई जेड और जेड एक्स वाई और वाई जेड एक्स, ये एक साथ ऐसे करना है। ठीक है, यहाँ पे 2, तो क्या कर सकते हैं भाई, ऐड कर दो, और क्या ही करोगे, ऐड कर दो ये। ठीक है, तो ये इसमें ऐड करो, ये इसमें ऐड करो। ठीक है, तो ऐड करके आपका आंसर आ जाएगा मेरे हिसाब से, है ना, ऐड करके आ जाएगा। एक बार जरा खुद से ट्राई दो, प्रॉपर्टी लगाओ, ऐड करके देखो, मैंने बोल दिया पहले, अगर आ गया तो बहुत ही अच्छा, नहीं आया तो छोड़ दो। ठीक है, क्योंकि देखो हर लेवल पे आप देखो, जेड जेड 2 बार, एक्स एक्स 2 बार, वाई वाई 2 बार, अगर मैं ऐड करूँ तो 2 तो कॉमन निकलने के चांसेस बहुत ज्यादा बन रहे। ठीक है, एक बार जरा ट्राई दो, 1, 2, 3, तो मैं करूँ। ठीक है, देखो अब यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, देखो यहाँ पे मैंने जैसे कहा नीचे ऐड करो, ऊपर ऐड करो, कहीं से भी ऐड करो, आपका 2 कॉमन आना चाहिए, ये आपका टारगेट है। ठीक है, तो सबके सब तो बहुत मुश्किल है ऐड करना, इतने सारे कहाँ करते। ठीक है, तो कोई भी एक इसमें से लिख लो, पहले तो मैं सॉल्व करने के लिए यहाँ लिखता हूँ, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, पहले अच्छे से लिख लेता हूँ, जेड प्लस एक्स अपॉन जेड प्लस एक्स, वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई, जेड प्लस एक्स, फिर वाई प्लस जेड और एक्स प्लस वाई। ठीक है, तो अब देखो यहाँ भी हम क्या कर सकते हैं, R1 tends to R1 plus R2 plus R3। अब जरूरी नहीं है यही, मैं R2 भी करता तो भी हो जाता, तो कहीं भी ऐड करता ना तो ये आता ही, जो मैं अभी लाने वाला हूँ, किसी भी रो में आ जाता हूँ, लेकिन फिर भी मैंने R1 को प्रिफरेंस दिया। ठीक है, तो देखो यहाँ ये ऐड करोगे तो क्या होगा, देखो ये ऐड करने इसमें, तो एक्स एक्स 2x, ये 2y और ये 2z, 2z 2y। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 2 in bracket x plus y plus z हो जाएगा। अब जिसको नहीं समझा वो देखो, आप क्या करो, एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, देखो जेड 2 y 2 x 2, इसलिए मैंने 2 डायरेक्ट कॉमन निकाला। ठीक है, ये हर जगह होगा, ठीक है, क्योंकि सेम ही टर्म रिपीट हो रहा है। तो यहाँ पे 2 in bracket x plus y plus z, यहाँ पे भी 2 in bracket x plus y plus z। ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पे नीचे जेड प्लस एक्स, एक्स प्लस वाई, वाई प्लस जेड, ठीक है, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई। ठीक है, समझ गए यहाँ तक, कोई दिक्कत? ठीक है, अब आगे देखो यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, तो क्या बचा अंदर, एक्स प्लस वाई, वाई एक्स प्लस वाई और वापस से एक्स प्लस वाई, ये बचा। ठीक है, तो अब क्या करते हैं, सुनो मेरी बात, ये वाई प्लस जेड यहाँ कर दो माइनस, आप ये जेड प्लस एक्स यहाँ कर दो, यहाँ वाई आ जाएगा, और ये एक्स प्लस वाई यहाँ माइनस करोगे तो यहाँ जेड बचेगा। देखो ये कट गया इसमें से, ये इसमें से कटा, तो मैं क्या कर रहा हूँ, सुनो, R1 tends to R1 minus R3। ठीक है, तो देखो ये वाई वाई कैंसिल, जेड जस्ट कैंसिल, 2 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, तो वाई वाई कैंसिल तो एक्स, ठीक है, यहाँ पे जेड जेड, जेड एक्स कैंसिल तो वाई, और यहाँ पे एक्स और वाई एक्स वाला कैंसिल तो जेड। ठीक है, अब आगे देखो यहाँ तक हो गया, अब जेड प्लस एक्स लिखो नीचे, यहाँ पे लिखो एक्स प्लस वाई और यहाँ पे लिखो वाई प्लस जेड। ठीक है, ये वाई प्लस जेड, ये जेड प्लस एक्स और ये एक्स प्लस वाई। ठीक है, क्लियर, यहाँ तक बात क्लियर है, यहाँ तक कोई परेशानी हुई आपको नहीं? चलो
चलो अब आगे, इसके आगे इक्वल टू यही दे देता करता, ठीक है, वरना ये एक लाइन में लिखना होता, लेकिन यहाँ कुछ पैटर्न ऐसा बैठ गया। अब देखो इसके आगे क्या कर सकते हैं, अब ये x नीचे माइनस करोगे तो z बचेगा देखो, और ये y नीचे माइनस करोगे तो x बचेगा, और z करोगे तो y बचेगा, ठीक है। तो क्या करेंगे, r2 changes to r2 minus r1, तो अब सिंपली 2 तो आ ही गया यहाँ पे, x y और z, यहाँ पे जेड एक्स वाई, जेड एक्स और वाई, ठीक है। तो क्या आया, वाई प्लस जेड, जेड प्लस एक्स और एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब रुको, अब हुआ हुआ नहीं अभी खत्म, इसके आगे यह करते, इसके आगे यहाँ करते, ठीक है, इक्वल टू टू इन ब्रैकेट। अब यहाँ पे देखो ये जेड अगर इससे माइनस करते तो वाई बचता, देखो तो यहाँ लिखेंगे आर थ्री टू इन ब्रैकेट, आर थ्री चेंजेस टू आर थ्री माइनस आर टू, ठीक है। तो यहाँ पे आया एक्स जेड वाई, क्योंकि जेड कैंसिल, या एक्स कैंसिल तो वाई एक्स जेड, यहाँ पे वाई कैंसिल तो जेड वाई एक्स, जेड वाई और एक्स, ठीक है, समझ गए, यही तो चाहिए था, तो हो गया हेंस प्रूव्ड। यहाँ पे लिखते हेंस प्रूव्ड, ठीक है, कोई डिफिकल्ट नहीं था, लेकिन समझाने समझाने में तो टाइम जाते ही, ठीक है, क्लियर। तो नोट कीजिए, वन टू एंड थ्री, ओके बच्चा, ठीक है। चलिए अब अगला क्वेश्चन नंबर थ्री, Using properties of determinant show that, ओहो ये भी ऐसे तरीके से करना है, ठीक। तो क्वेश्चन नंबर थ्री में हमें 4ABC प्रूफ करना है बेटा इसके सहारे। तो देखो सच कि आप यहाँ देख पा रहे हो कि ये जो 4ABC है, ठीक है, इसमें से 4ABC कहीं ना कहीं कॉमन निकला है, और मुझे जहां तक लग रहा है इनको तो खत्म ही करना पड़ेगा, वरना ABC नहीं आएगा, क्योंकि इसमें A प्लस बी, A प्लस सी, बी प्लस सी है, तो वो कैसे आएगा, वो नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या करना पड़ेगा, देखो यहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि इनको हटा दे, ठीक है। अब यहाँ कोई लिखा नहीं है कि आपको कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन चलेगा या रो ट्रांसफॉर्मेशन चलेगा, कोई भी चल सकता है, ट्रांसफॉर्मेशन ने पता है ना पिछले इसमें मैंने किया था, ये देखो आर वन आर टू आर थ्री का, ठीक है, इसी को बोलते हैं ट्रांसफॉर्मेशन, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे मैं कोशिश यही से शुरू कर देता हूँ, ठीक है, अगर मैं इसमें से ये दोनों माइनस करूँ प्लस करके तो ये जीरो बन जाएगा, देखो ए प्लस बी इसमें से माइनस कर दूंगा, ये दोनों ऐड करके इसमें से माइनस करूंगा, जीरो बनेगा, तो मेरा जीरो बनाने पे फोकस है, ठीक है, क्यों वो धीरे धीरे पता चलेगा आपको, ठीक है। देखो तो एल एच एस इज इक्वल टू ए प्लस बी, ए बी ए, ए प्लस सी, सी बी सी, बी प्लस सी, ये हो गया आपका एल एच एस, ठीक है। अब देखो यहाँ पे अब आप क्या करोगे, C1 यहाँ पे लिखोगे, C1 changes to C1 minus C2 plus C3, C2 plus C3, ठीक है। तो देखो इज इक्वल टू यहाँ पे देखो A plus B minus A plus B, तो ये जीरो, ठीक है, तो ये क्या आ गया आपका जीरो, ठीक है। देखो A plus B minus A plus B, तो ये पूरा कैंसिल आउट हो गया, देखो समझे नहीं क्या, ए प्लस बी माइनस ए प्लस बी, तो ये तो खत्म ही हो गया ना भाई, जीरो आ गया, ठीक है, इतना आसान है। अब ये देखो ये ए माइनस ए प्लस सी प्लस सी, देखो ए तो गया और ये एडिशन हो गया, टू सी माइनस टू सी बन गया, अंदर पॉजिटिव नेगेटिव के मल्टीप्लाई करके माइनस टू सी, तो यहाँ पे आ गया भाई माइनस टू सी। अब यहाँ पे देखो बी माइनस सी माइनस बी, बी माइनस सी, ऐसे कैसे हो गया, सुनो इसको जब माइनस से मल्टीप्लाई करोगे ये C2 और C3 को, तो ये माइनस हो जाएगा, B B कैंसिल, तो माइनस टू सी यहाँ भी आ गया, ठीक है। बाकी का बचा हुआ लिख दो, A A प्लस सी, सी बी सी, बी प्लस सी, ठीक है। अब आ गए यहाँ तक पहुंच गए, अब उसके बाद सुनो यहाँ पे तो आप माइनस टू कॉमन निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, तो माइनस टू चलो कॉमन निकाल लेते हैं, तो यहाँ पे माइनस टू
माइनस टू निकाल लेता हूँ कॉमन, तो क्या बचा? जीरो सी सी, पहले कर लो शांति से, देखते फिर, पहले लिख लिया करो फिर आगे सोचोगे ना। ए प्लस सी सी, ए ए प्लस सी और नीचे सी, बी सी बी प्लस सी, बी सी और बी प्लस सी। अब ध्यान से, अब देखो, अब अगर आप यहाँ सुनो, ये नहीं कट रहा है, सी प्लस सी टू सी हो जाएगा, कैंसिल नहीं होगा। यहाँ सी कैंसिल हो सकता, देखो यहाँ में आप अपने मन से कैसे भी ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हो, उसमें कोई ये नहीं है कि आप ये नहीं कर सकते वो नहीं कर सकते, नहीं नहीं कैसे भी। तो अगर मैं इसमें से सी माइनस करूँ तो यहाँ सिर्फ सी बचेगा, ठीक है? हाँ, कोशिश तो मेरी यही है, बिल्कुल। तो देखो इसमें से ये कॉलम हटा दो तो कुछ आ रहा है, ठीक है? देखो देखते हैं। हाँ, और यहाँ ए प्लस सी है ना, सही लिखा ना मैंने, तो बी प्लस सी और वो ए प्लस बी जीरो, ठीक है? तो देखो सी टू चेंजेस टू, सी टू चेंजेस टू, सी टू माइनस सी वन, ऐसे करूंगा, देखो क्या हो जाएगा, ये बी बी रहेगा, ये सी माइनस सी जीरो बन जाएगा, ये सी सी खत्म, मतलब इधर से बी बचे, ठीक है? देखो देखते ना, पहले कर तो लो माइनस टू, मेरा टारगेट क्या पता है? अब डायरेक्ट जीरो नहीं हो रहा ना, मैं सोच रहा था कि ट्रायंगल में से जीरो बनाओ जिससे कि वो ए बी सी मल्टीप्लाई में बाहर आए, लेकिन अब मुझे एक दिक्कत समझ में आई कि वो जीरो बनते तो फोर नहीं ला पाऊंगा, उसके लिए भी कुछ करना है ना मेहनत, ठीक है? तो ऐसे आपको धीरे धीरे, जैसे जैसे आप इसमें पढ़ोगे ना तभी समझेगा, ठीक है? ऐसे एक क्वेश्चन मेरा देख लोगे और आप कर लोगे ऐसा नहीं होगा, धीरे धीरे यूज करोगे तो आपको आइडिया आएगा कि किस तरीके से यूज करना है, ठीक? अब ये इधर ऐड होगा, ये बीच वाला तो वैसे ही रहेगा। हाँ, सी थ्री के बारे में बात कर रहा हूँ और सी टू लिख रहा है, बट सी थ्री के बारे में बात कर रहा हूँ, सॉरी यार, मैंने बात सी थ्री की और लिखा मैंने सी टू, ठीक है? क्योंकि मैं इसकी बात कर रहा हूँ, इसमें बी जीरो ऐड करोगे तो बी रहेगा, ठीक है? फिर इसमें ऐड करोगे, इससे माइनस करोगे तो ये सी सी कैंसिल, तो यहाँ पे इसमें से सी सी कैंसिल तो जीरो, देखो पहले में से ही, फिर यहाँ सी गया तो यहाँ सिर्फ बी बचा, ठीक है? समझे क्या? देखो यहाँ पे जीरो गया, यहाँ पे सी गया, यहाँ पे सी गया, ठीक है? तो यहाँ पे बी बचा, मतलब ये बी का कॉलम हो गया स्पेशल। अब यहाँ से सी और यहाँ से भी मैं कॉमन निकाल सकता, ठीक है? अब ये देखना है भाई, यहाँ पे भी सी माइनस करना है, ठीक है? रुको देखते, माइनस टू देखते वो कुछ होता है। तो यहाँ जो हमने प्लान किया वही करेंगे कि इसमें से सी वन, सॉरी सी टू, सी टू चेंजेस टू, सी टू माइनस सी वन, ठीक है? तो क्या आया? माइनस टू इन ब्रैकेट जीरो सी सी, ये यहाँ गया तो ए, ठीक है? ये इसमें से गया तो ए, ये इसमें से गया तो जीरो, ठीक है? क्लियर? अब देखो बी जीरो और बी, ठीक है? क्लियर? अब क्या कर सकते हैं? अब क्या इसमें से ए बी सी कॉमन निकाल लो, हर रो में से निकलेगा, देखो इसमें से सी, इसमें से, इसमें से बी। आप बोलोगे सर या तो जीरो है, भाई जीरो इंटू सी करो तो सी तो उसके साथ है ही ना, सी है, मैं दे भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा उसको, क्योंकि जीरो से कोई पंगा नहीं ले सकता, जीरो हमारा कर देता है सबको, समझ गए ना? जीरो से ना ले पंगा, क्योंकि कर देगा वो आपको, मतलब किसी भी नंबर को, ठीक है? समझ जाओ, अब मैं बोलना नहीं चाहता वो बात, सी ए बी, ठीक है? तो ये सी यहाँ से बी कॉमन निकल गया, कैसे निकला? क्योंकि जीरो के साथ मल्टीप्लाई में है वो टर्म, तो अंदर क्या बचा? जीरो वन वन, वन वन जीरो, वन जीरो वन, ये बचा, ठीक है? अब इसको सॉल्व करो भैया, अब इसको हम करेंगे सॉल्व, ठीक है? तो माइनस टू ए बी सी, तो ये करोगे तो जीरो से ये पूरा टर्म, ठीक है? तो जीरो से ये वन माइनस जीरो, जीरो होने वाला है, ठीक है? उसके बाद एक मिनट, उसके बाद ये देखो, उसके बाद माइनस वन, प्लस के बाद माइनस, ये तो आता ही आपको, ये कॉलम ये रो छोड़ो, वन माइनस जीरो, फिर उसके बाद प्लस वन इन ब्रैकेट जीरो माइनस वन, ठीक है? तो माइनस टू ए बी सी इन ब्रैकेट, ये तो जीरो बन गया, ये माइनस वन बन गया, ये जीरो माइनस वन,
और ये भी बन गया माइनस वन इंटू वन माइनस वन, ठीक है। तो ये बन गया माइनस टू ए बी सी इंटू माइनस टू, इन दोनों के एडिशन, तो ये आया फोर ए बी सी माइनस प्लस, तो ये हो गया आपका आर एच एस, ठीक है, समझ गए। तो थोड़ा सा हमें ट्रांसफॉर्मेशन यूज करना है, थोड़ा सा खुद से कुछ सोचना है और सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। चलिए नोट कीजिए, वन टू एंड थ्री, ओके बच्चा, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर फोर, देखो क्वेश्चन नंबर फोर नहीं है, थ्री का ही सेकंड है क्या? हाँ थ्री का ही सेकंड है, अब लॉग वाला है। तो ये जरा सोच के, लॉग आपको आता है, लॉग आप पहली बार देख रहे हो, ठीक है, तो लॉग से कोई डरने वाली बात नहीं है, हो जाएगा आराम से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लॉग के ऊपर बेस्ट है बच्चों। अब यहाँ देखो लॉग की एक सिंपल प्रॉपर्टी यूज होगी, देखो लॉग बी टू द बेस ए, इसको बेस बोलते हैं, लॉग का एंगल बी और उसका बेस ए अगर है, तो इसे आप लिख सकते हो लॉग बी टू द बेस ई यानी नेचुरल लॉग, और लॉग ए टू द बेस ई, मतलब ये भी एंगल में चल जाएगा, और ऐसे आप इसे लिख सकते हो, इसका बेस ए की जगह आप दोनों जगह ई हो गया, ई आ गया, मतलब ये नेचुरल लॉग हो गया, ठीक है, ठीक है। तो इसके ऐसे ही लिखना है, अब नेचुरल लॉग वगैरह मत सोचो, आप सिर्फ ये सोचो कि इसको सॉल्व करना है इस तरीके से, ठीक है। तो इसको कैसे लिख सकते हो, वन को, वन को तो वन ही रखेंगे सर, उसको थोड़ी बदलेंगे, बिल्कुल ये बात भी सही है। तो एक काम करते हैं, रुको वन को हटाना है ना, ओके ओके ओके, वन को हटाना है, वन को हटाना है, तो एक काम करते हैं, यहाँ लॉग एक्स अपॉन लॉग एक्स ले लेते, नहीं यहाँ पे लॉग वाई, अब क्यों बोल रहा हूँ मैं लॉग वाई, देखो सुनो, और यहाँ पे लिखेंगे लॉग एक्स अपॉन लॉग वाई, यहाँ पे लेंगे लॉग एक्स अपॉन लॉग जेड, ओके यार, तो एक्स ही लेना पड़ेगा इसका मतलब, ठीक है। रुको रुको बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, बता रहा हूँ, रुको रुको भागो मत, ध्यान दो थोड़ा, पहले सुन लो फिर बाद में देखो, ये पूरी मैट्रिक्स ही लिखी मैंने, एक ही सिर्फ कॉलम लिखा, दूसरा देखो लॉग एक्स सॉरी लॉग वाई अपॉन लॉग एक्स, रुको क्या लिखना पड़ता मुझे भी नहीं पता फिलहाल, पहले तो मैं लिख रहा हूँ वन की जगह, यह वाई आ रहा है ऊपर, तो शायद से यहाँ भी लॉग वाई बाय लॉग वाई लिखना पड़े, ठीक है, और यहाँ पे लॉग वाई बाय लॉग जेड, या देखो लॉग जेड बाय लॉग एक्स बाय लॉग वाई, और यह लॉग जेड बाय लॉग जेड। अब ये वन की जगह कैसे लिखा पता है, इसको काटोगे वन लिखेगा वन आ जाएगा, इसको काटोगे वन आ जाएगा, इसको काटोगे वन आ जाएगा, लेकिन यहाँ सोचो एक एक बात सोचो, सुनो सुनो क्या है, यहाँ पे x ऊपर था तो log x में कॉमन निकाल सकते, इसलिए मैंने ऐसे लिखा, क्योंकि यहाँ पे इसलिए x, यहाँ पे देखो log y निकाल सकता, यहाँ पे log z बाय डिफॉल्ट आ गया था ऊपर, तो इसलिए मैंने यहाँ log z अपॉन log z लिया, वन का भी काम हो गया और हमारा भी काम बन गया कॉमन निकालने, क्योंकि जीरो चाहिए तो कुछ ना कुछ रो और कॉलम तो आइडेंटिकल लगेंगे ना भाई, अभी देखा था हमने पहले क्वेश्चन में, याद है आपको, इवेल्युएट द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट विदाउट यूजिंग विदाउट एक्सपांडिंग, है ना, सही है, तो वही कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखो तब इसके इक्वल टू आगे लिखेंगे ये log x log y log z बाहर आ जाएंगे, ठीक है, देखो log x log y और log z बाहर आ गए, ठीक है। अब इनको तो भैया थोड़ा छोटा करके साइड में लिख लेते हैं, यहाँ आई एम पी देते तो उसको, ठीक है, और कुछ नहीं कर सकते हैं उसके लिए क्योंकि जगह कम पड़ रही। अब यहाँ पे वन अपॉन लॉग एक्स, यहाँ पे वन अपॉन लॉग वाई, यहाँ वन अपॉन लॉग जेड, यहाँ पे देखो वन अपॉन लॉग एक्स वन अपॉन लॉग वाई वन अपॉन लॉग जेड, मतलब सेम टू सेम आ जाएगा, देखो यहाँ वन अपॉन लॉग एक्स बाजू में वन अपॉन लॉग एक्स, उसके बाजू में वन अपॉन लॉग एक्स, यही बचा इसमें, तो यही बचा कम से कम, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो लॉग एक्स निकल गया बाहर, यहाँ से लॉग वाई निकल गया, यहाँ से लॉग जेड, ठीक है, कॉलम से कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे क्या बचा, यहाँ से लॉग वाई निकला, यहाँ से लॉग जेड निकला, तो यहाँ पे वन अपॉन लॉग वाई, यहाँ पे वन अपॉन लॉग वाई, यहाँ पे वन अपॉन लॉग वाई, ठीक है, नीचे जेड बचा लॉग जेड, देखो वन अपॉन लॉग जेड वन अपॉन लॉग जेड, और यहाँ पे भी वन अपॉन लॉग जेड, ठीक है। अब देखो
ये और ये सेम आया और ये भी सेम आया, जिसके कारण वो जीरो आएगा, ठीक है। तो लॉग एक्स लॉग वाई और लॉग जेड, तो ये जीरो, तो ये आ गया जीरो, यानी कि आर एच एस बस सेम आ गया ना, दो कॉलम या रो सेम आ गए, खत्म। तो यहाँ तो तीन तीन है भाई, सोने पे सुहागा का जीरो आ गया, ठीक है। नोट कीजिए 1, 2 एंड 3। ओके बच्चा, तो अब क्वेश्चन नंबर 5 अगले लेक्चर में लेते, ठीक है, यहाँ रुक जाते हैं। अब 4 क्वेश्चन ले लिए, इसके पहले प्रॉपर्टीज ले ली। मिलते हैं अगले लेक्चर में, पढ़ते रहे, आगे बढ़ते रहे। जय हिंद, जय भारत।